सब स्वेटर निकाल के धूप दिखा रहे हैं, ठंडी अब सुबह में थोड़ा थोड़ा, बंदर जैसा बैठा हुआ है। आए दिन अब देखिए ना, ठंडी आ गई है हल्का। खाना तो आराम से खा लेती हूँ ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, और रात का खाना वेट लॉस के लिए आधे पौन घंटे के बाद ही आप। और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने कर लिया उन फ्रेंड्स को तहे दिल से शुक्रिया। आप सोचेंगे कि मैं डेली आपसे यही पूछ, तो फिर आपसे छूटना नहीं है, बूंदी की सब्जी है तो सूखी सब्जी बहुत खा रही हूँ आराम से। लेकिन हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का फैट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है? आप सोचेंगे कि मैं डेली आपसे यही पूछती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 31 डेज का चैलेंज चल ही रहा है, तो पूछना तो जरूरी है ना कि चल कैसा रहा है। तो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, और चलिए सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक ले लेते हैं। हो सकता है आप लोग ले चुके होंगे, मेरा ही लेट हो जा रहा है आजकल छुट्टी के टाइम में, तो अभी छुट्टी चल रही है इसलिए मेरा लेट फिट चल ही रहा है। तो चलिए फटाफट से ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद फिर योगा कर लेंगे। आज सोची हूँ फ्रेंड्स कि आज लेट नहीं करूँगी, अभी तो उठी हूँ 7:30 बजे, ले 7 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी 7:30 बज रहा है, तो सोच रही हूँ कि झटपट से पहले किचन का काम निपटा लूँ ना, उसके बाद फिर इधर देखो रेखो होता रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे बीमार हैं तो उन लोगों को भी देखना पड़ रहा है, ये देना लेना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब का ख्याल रखना पड़ रहा है, तो समझिए कि ओवरलोड। चलिए, सब होता ही चला जाता है, हिम्मत करके करते रहने से सब कुछ होता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गर्म पानी है, इसमें कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं, तो आज ना सिर्फ गर्म पानी ले रही हूँ, गला खराब है इसलिए और कुछ ऐड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो ये ले करके और उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद योगा कर लूंगी। तो फ्रेंड्स पानी पीने के बाद जो है वेट ठीक करने लगी, क्योंकि बच्चे आज उठ गए थे, तबीयत सही नहीं है सबका, तो उन लोगों को सुकून से नींद भी नहीं आ रही है। सर्दी जुकाम में जानते हैं ना, बहुत बेचैनी भी लगता है। तो पानी पीने के बाद 10-15 मिनट बाद ही ना योगा करना रहता है, तो इसलिए बेड वगैरह ठीक कर लूँ तो उसके बाद टाइम हो जाएगा और रूम भी फ्रेश हो जाएगा। फ्रेंड्स रूम जो है ना, आधा मतलब सफाई बेड से ही हो जाता है। बेड अगर साफ सुथरा हो गया तो समझिए कि पूरा रूम जो है अच्छा दिखने लगता है, साफ दिखने लगता है। तो बस देखें, यहाँ पे सब रूम ठीक ठाक करने के बाद जो है बैठ गई थी योगा करने। फ्रेंड्स योगा एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है ना, कि अगर एक बार शुरू कर दिए ना आप, तो फिर आपसे छूटना नहीं है। आपको बगैर किए मतलब चैन नहीं मिलेगा और पूरे बॉडी में दर्द होने लगेगा, और बॉडी में अगर पेन होगा तो आप खुद ब खुद वो चीज़ करेंगे जिससे ठीक होगा। तो ये ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं सालों से ये योगा करती आ रही हूँ, और नहीं करती हूँ ना तो बहुत तरह का मतलब प्रॉब्लम होने लगता है। वेरिकोसवेन का प्रॉब्लम है, उसमें पेन होने लगता है, और जो माइग्रेन था वो इसी से ठीक हुआ है मेरा, योगा करके अनुलोम विलोम और कपालभाति, एकदम दवा की तरह काम किया है मेरा। कभी भूल नहीं सकती, कभी छोड़ नहीं सकती, इस तरह का है ये मेरा। और सोचती हूँ कि छोड़कर भी क्या करूँगी, कितना टाइम लगता है, 10-15 मिनट तो लगता है बस, और उससे मेरा पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है और दिन भर फ्रेश लगता है, हल्का लगता है। तो फ्रेंड्स योगा तो कब का ख़त्म हुआ, और कितना काम कर ली मैंने। ऊपर से नीचे आई तो बेड मैंने ठीक किया नीचे का, और फिर नाश्ता बनाई। तो ये है हस्बैंड का नाश्ता, जो कि आज मैं बनाई थी सब्जी, आलू और बोदी की सब्जी है, तो सूखी सब्जी बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ। और ये है मेरा चना गुड़ और ये पिन खजूर, तो ये मेरा आज का नाश्ता हो गया। तो चलिए बैठ कर खा लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं बैठकर 2-4 चम्मच खा रही हूँ आराम से, लेकिन उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में, आपको नहीं पता हो।
एक दो बार बताई भी हूँ कि चना जब खाना रहता है ना तो किचन में 2-4 चम्मच ऐसे बैठ कर खाती हूँ, फिर किचन में चम्मच से मुंह में डालती जाती हूँ और काम करती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब स्वेटर निकाल के धूप दिखा रहे हैं क्योंकि ठंडी अब सुबह में थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। क्या बंदर जैसा बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स कपड़ा डालने आ गई थी छत पे, और जो मैंने सुबह में डाला था ये गर्म कपड़ा स्वेटर वगैरह वो उठा ली, क्योंकि 3-4 घंटा हो गया था सुबह से डला हुआ था। तो अब ये सब कपड़ा जो मैं धुल कर रखी थी वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन का कपड़ा था तो सुबह से धुल ही रहा था। तो धोते धोते जो है अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, बहुत काम हुआ उसके बाद में। रखा हुआ था कि डालना है डालना है, तो फिर आई छत पे डालने। मशीन का धुला रहता है ना तो समझिए आधा सूखा ही रहता है, तो कभी भी डाल दीजिए 2 घंटे में सूख ही जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी किचन में। नाश्ता करने के बाद ब्रेक मिलता है, तो ब्रेक में क्या इधर उधर का कपड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ करना रहता है। फिर से किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। सब्जी बन चुका था लेकिन अभी चावल और दाल बाकी था, और करेले के भुजिया बनाना था, आलू की चटनी बनानी थी, तो ये सब बाकी था। तो बस वही बना रही हूँ, उसके बाद फिर हो जाएगा खाना का टाइम। इसी तरह तो कटता जाता है दिन। अब देखिए ना ठंडी आ गई है, हल्का दिन भी छोटा करने लगा है, टाइम का पता नहीं चल रहा है कि कब टाइम निकल जा रहा है, और उसी में उसी टाइम पे सब कुछ करना भी रहता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का खाना, लंच चावल रोटी और बोदी आलू की सब्जी, आलू की चटनी, करेले का भुजिया, सलाद, दाल, ये सब है। तो थोड़ा थोड़ा सारा इतना सारा चीज़ हो जाता है खाने में, लगता है काफ़ी टाइम, क्योंकि 32 बार च्यू करके खाना रहता है। तो चलिए आराम से खाना तो आराम से खा लेती हूँ, नाश्ता में थोड़ा सा जल्दबाजी रहता है लेकिन खाना सुकून से खाती हूँ। तो ये देखिए रोटी भी अभी मैंने बनाया है सबके लिए, चावल थोड़ा सा बनाई थी हस्बैंड और मेरे लिए, और बच्चों के लिए रोटी। तो सारे बच्चे जो हैं बीमार हैं, तो उन लोगों को देखना भी पड़ रहा है कि कब क्या खिलाना है। तो किसी को सर में दर्द हो रहा है तो सर पे तेल रखिए, तो किसी को बॉडी दर्द कर रहा है, किसी को खांसी हो रहा है तो गर्म पानी करके देते रहिए, यही सब होता रह रहा है दिन भर। तो फ्रेंड्स इस चैलेंज में रात का खाना में मैंने क्या लिया है ये मैं ऐड करती हूँ 1 दिन पहले का। जैसे कि आज का वीडियो मेरा दोपहर का है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना ये डिनर है कल रात का, तो इसी तरह मैं 1 दिन पहले का ऐड करते आ रही हूँ इस चैलेंज में। तो ये है कॉर्नफ्लेक्स, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, ओट्स, ये सब मिक्स है, तो बहुत ही हेल्दी होता है ये, और रात का खाना के लिए ये हल्का भी होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का लंच के बाद का, ये मेरा ब्लैक कॉफ़ी जो कि मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं ब्लैक ब्लैक कॉफ़ी ही ले रही हूँ, क्योंकि इससे ना ये हेल्दी भी होता है वेट लॉस के लिए, और इससे ना मुझे नींद नहीं आती है और बहुत फ्रेशनेस फील होता है, तो इसलिए आ गई हूँ लेकर छत पे। और ये गर्म कॉफ़ी है, ये नहीं है, कोल्ड कॉफ़ी नहीं है। तो आराम से छत पे टहल करके और कॉफ़ी का मज़ा लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा शाम हो ही जाता है, क्योंकि 2:30-3 बजे तो खाना खाती हूँ, तो आधे पौन घंटे के बाद जो है मैं कॉफ़ी या ग्रीन टी लेती हूँ। और लेना है इस चैलेंज में, या फिर वेट लॉस कर रहे हो तो खाना के बाद आधे पौन घंटे के बाद ही आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो चलिए उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, जिन्हें पसंद आए हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने कर लिया उन फ्रेंड्स को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।